मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सारे बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो आज कौन सा डे है? वेनेसडे। जी हाँ, आज है वेनेसडे और सुबह के बज चुके हैं 11। और आज देख सकते हैं मैं चंपू सा लुक में हूँ क्योंकि हेयर ऑयलिंग की है बहुत अच्छी तरह से। एक DIY ऑयल मैंने बनाया है खुद से। कुछ रेमेडीज़ है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाल बहुत ज़ोरों से टूटने लगे थे। एंड मैं केमिकल तो यूज़ नहीं करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ होम रेमेडीज यूज़ करती हूँ। तो बहुत ज़ोरों के टूटने लगे थे, बहुत गंदा हो चुका था। जबकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, जब बाहर जा रहे होते हैं ना तभी बाल गंदा होता है क्योंकि डस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, तब गंदा होता है। जबकि अब घर पर ही है फिर भी बाल इतने गंदे हो रहे हैं, इसलिए कुछ तो करना बनता है। इसलिए बस थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरह से लगाई हूँ और ऑयल लगाई हूँ तो एक अच्छी तरह से हेयर को सेट कर दिया है। तो बस चंपू सा लुक है। जब मैं हेयर लगाती हूँ ना बहुत चंपू सा लुक हो जाता है, बहुत मतलब बच्ची की तरह दिखती हूँ। गंदा लगता है, चेहरे खिला खिला नहीं लगता। एंड तबीयत ठीक हो गई है तो आप चेहरे से देख सकते हैं तबीयत थोड़ी सी ठीक है। तबीयत मेरी ख़राब थोड़ी सी भी हो जाती है ना तो यहाँ डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ही गंदी दिखने लगती हूँ। इसलिए ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। बस इसीलिए मैं ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता क्योंकि चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा होता है ना तो कॉन्फिडेंट की कमी होती है। आप अच्छी दिख रहे हो, अच्छी गेटअप है तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंट आती है, नहीं तो कॉन्फिडेंट की बहुत लैक हो जाती है। बस दो दिन से यही था कि मैं नहीं बना रही थी। एंड हर महीने कुछ ये 2-3 दिन ऐसे हो ही जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। बस अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अभी ठीक हो चुके हैं, सो फ्रेश फील कर रहे हैं और मौसम हो रखा है बड़ा ही सुहाना सा। मतलब 4 बजते ही ना बारिश जोरों की हो रही है। 4 बजे से पूरा शाम के 7-8 बजे तक जोरों की बारिश हो रही है और सुबह सुबह ना बहुत ज़ोरों की धूप हो रही है। एक अलग ही प्रकार का मौसम हो रखा है, ना मानसून, ना सर्दी, ना गर्मी, चारों फील कर रहे हैं। मतलब जब धूप हो रही है गर्मी लग रही है, जब बारिश हो रही है तो हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। बारिश ख़त्म होने के बाद रात को फिर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और बहुत ज़ोरों की गर्मी हो रही है। बस मतलब हर एक सीज़न हम एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बस यही है, खाना अभी तक बना नहीं है, अभी बनाने जाऊंगी थोड़ा सा ही। एंड आज भी बनाई हूँ पुखाड़ो। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे हमारे घर में कितना पुखाड़ा बनता है। हम तो ज़्यादा खाते ही थोड़ा सा, लेकिन अभी जो मौसम हो रखा है ना तो तबीयत खराब होने लगती है। थोड़ी सी हल्की इधर उधर की चीज़ खा ले तो तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए मैं एक दो दिन में पुखाड़ा बना ही देती हूँ। हाँ, तो एक दो दिन में रोटेशन करके मैं थोड़ा सा पुखाड़ा बना ही देती हूँ ताकि सबकी तबीयत ठीक रहे। तो बस यही है, चलिए चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं और दिन का स्टार्ट करते हैं। एंड अभी बेटा बोल रहा था बहुत बोरियत फील कर रहा हूँ, बहुत बोरियत। एक्चुअल में वो लोग घर पे रह रहे के इतना बोर हो चुके हैं बच्चे ना, मत पूछिए। मतलब ऑनलाइन क्लास किए, टीवी देखे या अपनी करिकुलम थोड़ा सा किए, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना। एक होता है ना बाहर निकल के जो खेलना, वो सारा भी बंद है, इसलिए वो लोग बहुत बोरियत महसूस कर रहे हैं। और अभी मुझे बोल रहा था, मम्मी आप लोग बहुत लकी हो कि आपके बचपन में कोरोना नहीं था। ये सुन के ना मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ यार। मतलब उनके मन की हालत, बच्चों के मन की हालत ऐसी हो चुकी है ना, मत पूछिए। एंड इधर साउंड आ रहा है थोड़ा सा, तो वही कि बच्चों की मन की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। अभी क्या कर सकते हैं, हम भी अपने काम में बिजी हो रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो जो बाहर जाके खेलते हैं, मस्ती करते हैं, वो फुलफिलमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। बस बहुत बुरा लगा मुझे सुन के कि मम्मी आपके टाइम में कोरोना नहीं था, अच्छा था, आप बहुत लकी थे। इट्स सो सैड टू हियर ऑल दिस। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बारिश इतनी जोरों की हो रही है। देखिए हम लोग कैसे बेड पे पड़े हुए हैं, बारिश धमाकेदार बारिश हो रही है और बेड से उठने की मन नहीं हो रहा है।
मोबाइल पे सारे लोग बिजी हैं। क्या तांत्रिक विद्या हो रही है, क्या क्या देख क्या रहे हैं, मोबाइल पे चल क्या रहा है? देखिए मैं जब देखने लगी तो बंद करने लगे। क्या सीक्रेट है मोबाइल पे? झमाझम बारिश हो रही है। झमाकेदार बारिश हो रही है आज, मजा आ गया। लिटरली दे दो, मच्छर आ जाएंगे, इसलिए हम बंद करके रखते हैं। चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं। खाना तो बनाना पड़ेगा, चाहे बारिश आए चाहे धूप आए या कुछ भी आए। पौधों को पानी नहीं दिया प्रिंसु? दिया है। दिया है। बिल्कुल उधर है नो। ये खुला रहता है, मैं रात के 10-9-10 बजे तक खुला रखती हूँ। नहीं तो आप सारा कुछ बंद कर देंगे तो इम्यूनिटी हो जाएगी ना, तो ये खुला रहता है। तो चलिए बनाते हैं खाना। सोच रही हूँ एक आध रील बना दें। ये ऐसे इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसे चाहिए मोबाइल है ना। हाँ मोबाइल पे देखेगा। ठीक है चलिए बाद में मिलते हैं। नहीं नहीं ब्लॉग को एंड ही करती हूँ अभी। नहीं 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 नहीं